91.9 FM तड़का पे मैं हूँ आरजे रौनक विद दी एनक, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर सीवी रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। और यहाँ पे आज पुस्तक यात्रा फ्लैग ऑफ हुआ है, ये जो इवेंट है पुस्तक यात्रा शुरू की गई है। और मेरे साथ हैं सितेश कुमार सिन्हा सर। सर वेलकम टू FM तड़का पे। थैंक यू। और सर इस इवेंट के बारे में बताएं, मतलब क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है, जहाँ आप घर घर जहाँ पे बुक्स नहीं पहुँच सकते वहाँ पे भी बुक्स को पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊँ कि बुक से रिश्ता कहीं ना कहीं लोगों का टूटता जा रहा है, बहुत कम पढ़ रहे हैं ई बुक्स के होने की वजह से भी, और बहुत सारे रीजन से। सर से जानते हैं, सर ये जो इनिशिएटिव है सबसे पहले इसका रीज़न क्या है? मतलब ये जो इनिशिएटिव है ये हमारे डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के जो चेयरपर्सन हैं श्री संतोष चौबे जी, उन्होंने उनकी परिकल्पना है ये देश भर में पुस्तक यात्रा के फॉर्म में स्टार्ट हो रहा है, इसको नया रंग दिया गया है विश्व रंग के फॉर्म में। ये पुस्तक यात्रा जो है 5 स्टेटों में, हमारे जहाँ विश्वविद्यालय हैं 5 अलग अलग, उन जगहों के उनकी जो रिसाइडिंग एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में जाएगी, उन स्कूलों में जाएगी जो सरकारी स्कूल हैं जो कि अछूते हैं, जहाँ पे पुस्तकें नहीं हैं लाइब्रेरी में वहाँ जाएगी। और 10 दिन की ये यात्रा है, 8 तारीख से चालू होगी और 19 तारीख तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान लगभग 12 स्कूलों को कवर किया गया है बिहार के, जो कि सरकारी स्कूल है, वहाँ पर ये यात्रा जाएगी। जाने के बाद इस यात्रा का एग्जीबिशन होगा। इस एग्जीबिशन में 2 तरह की एग्जीबिशन रखी गई हैं, एक है साइंस एग्जीबिशन और एक है साहित्य को लेकर के एग्जीबिशन। ये एग्जीबिशन और इसके साथ साथ कुछ पुस्तकें वहाँ पे हम लोग देंगे स्कूल में, लगभग 500 पुस्तकें और 2 एग्जीबिशन स्कूलों को डोनेट की जाएंगी, जिससे कि उस स्कूल के जो बच्चे हैं वो उन पुस्तकों को पढ़ करके गौरवान्वित महसूस करें। बिल्कुल, तो इतना सारा कुछ हो रहा है, मतलब बुक्स भी दे रहे हैं हम बच्चों को जहाँ पे नहीं पहुँच सकते, जो लोग खरीद नहीं सकते किताबों को उनको हम बुक्स दे रहे हैं इस इनिशिएटिव के थ्रू। और सर टैगोर इंटरनेशनल लिटरेचर जो है जिससे कि इसका जुड़ा हुआ है ये, इसके बारे में कुछ बताएं आप। टैगोर इंटरनेशनल सेंटर जो है वो हमारे विश्वविद्यालय का एक अंग है। ओके। जो कि 5 विश्वविद्यालयों में अलग अलग जगहों पर स्थापित किया गया है। ये विश्वविद्यालय का एक सेंटर है, एक सवर्ण सेंटर है, जिसमें कि हम लोग लिटरेचर और आर्ट्स को लेकर के काम कर रहे हैं। इसके तहत ये विश्व रंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि पूरे 1 महीने का 5 स्टेटों में होगा। फिर उसके बाद ये भोपाल में इसका क्लोजिंग होगा, जो कि नवंबर में होगा, 7 से 11 नवंबर। और वहाँ पर लगभग हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग या हिंदी जहाँ विदेशों में पढ़ाई जाती है ऐसे 60 विश्वविद्यालयों के लोग वहाँ आ रहे हैं जी। प्रणव जी ने वहाँ हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में आना स्वीकार किया है। इसके बाद जो बिहार में हमारा पार्ट हो रहा है वो आज हमने स्टार्ट लिया है। इसके बाद कल से ये यात्रा 19 तारीख तक अलग अलग स्कूलों में जाएगी। उसके बाद 20, 21, 22 को हम पटना में प्रेमचंद रंगशाला में 3 अलग अलग प्रोग्राम से इसका समापन करेंगे। पहला प्रोग्राम जो है उसमें सैयद आलम का प्ले है चचा छक्कन इन एक्शन, जो कि एक कॉमेडी प्ले है। इसके बाद सूचना प्रसारण 21 तारीख को सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक साहित्यिक प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद 22 तारीख को हम लोगों ने एक सूफी बैंड गायक जो कि कबीर कैफे बैंड है उनका परफॉर्मेंस रखा है। ये सारे प्रोग्राम 6 बजे से रात के 10 बजे तक प्रेमचंद रंगशाला में होंगे, और इसमें प्रवेश जो है वो निःशुल्क है, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। इसके साथ साथ 16 तारीख को एक साहित्यिक प्रोग्राम फिर से यूनिवर्सिटी कैंपस में रखा गया है, जिसमें बिहार साहित्य से जुड़े हुए लोग यहाँ पे अपना कविता पाठ और रचना पाठ करेंगे। क्या बात है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि सब के सब आर्ट से जुड़े हुए हैं। 16 तारीख को जो है वो कविता का इवेंट होने वाला है, तो जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं वो लोग ज़रूर उसमें आ सकते हैं पार्ट लेने के लिए। 16 तारीख को भी आप लोग, 16 तारीख को जो लोग कविता पाठ करते हैं वो लोग आ सकते हैं। 20 से लेकर के 22 तारीख तक पटना में प्रोग्राम होने वाला है, अलग अलग वेन्यूज़ पे पटना में 3 प्रोग्राम
प्रोग्राम्स होने वाले हैं और एक में नाटक हो रहा है, तो हम देख सकते हैं सारे के सारे आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए चीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी जो है वो भी लिटरेचर है और आर्ट से कहीं ना कहीं बहुत जुड़ा हुआ है, और यही रीज़न है कि आज पीयूष मिश्रा जी यहाँ पर आए हैं और पीयूष मिश्रा जी ने फ्लैग ऑफ किया है इस इवेंट का। और बहुत गर्व की बात है कि डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी वैशाली से इसकी शुरुआत हो रही है इस पूरे इवेंट की, जो कि 5 अलग अलग शहरों में होने वाला है अभी अलग अलग तारीख पर, और बहुत सारे इवेंट्स होंगे। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सर, सबसे पहले उसके लिए तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलूँगा। थैंक यू। और दूसरी बात ये कि सर हमारा जो FM तड़का है वो सबको कह रहा है कि अपनी सुनो, मतलब कि हम सबको ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। आपका क्या टेक है, आपने कब अपनी सुनी? और इस दिल की आवाज़ सुन के ही ये प्रोग्राम संकल्पित किया गया हमारे चेयरमैन द्वारा। उनकी दिल की आवाज़ थी कि वो साहित्य में या हिंदी को लेकर के या पुस्तक को लेकर के जो विलुप्तिकरण होता जा रहा है उसको शहर शहर गांव गांव तक पहुंचाएं, उसी परिकल्पना में ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो मुझे भी लगता है आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं मुझे यहाँ पे या सुन रहे हैं, अपने आवाज़ को अपनी आवाज़ को ज़रूर सुने। बाकी बहुत शोर है बाहर दुनिया में, लेकिन आपकी आवाज़ दब ना जाए उसमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो यूनिक चीज़ें आप देखते हैं, जो भी लोग फेमस होते हैं जैसे सर है मेरे साथ, कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपनी आवाज़ सुनी है और तभी वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, पहुँच सके हैं। और दूसरी बात कि ये जो इवेंट है वो बहुत सक्सेसफुल हो सर, उसके लिए मैनी विशेज़ हैं हमारी सारी। और थैंक यू, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग जो सुन रहे हैं मुझे 20 से 22 तारीख तक आप लोग भी सर के सारे लोग हमारी तरफ से आमंत्रित हैं, प्रवेश निःशुल्क है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। 6 बजे से शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक का ये प्रोग्राम है, इसमें बड़े बड़े बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उन लोगों से वाकिफ होइए, उनसे मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे कुछ सीखिए, ये सीखने का प्रोग्राम है, सीखा जाए। मुझे लगता है बहुत लोगों की ये कंप्लेन रहती है कहीं ना कहीं कि छोटे शहरों में ऐसे इनिशिएटिव्स कम लिए जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। आप लोग जो आर्ट के प्रेमी हैं, जो कल्चर के प्रेमी हैं, उनको वहाँ जाने का बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि ये इवेंट ऐसे हर रोज़ नहीं होते, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आप लोग ज़रूर आएँ और सुनते रहे FM तड़का, क्योंकि हम कह रहे हैं अपनी सुनो। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। FM तड़का को, जो कि सीवी रमन विश्वविद्यालय में आकर के अच्छा प्रोग्राम हमारा ऑर्गेनाइज किया, रौनक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं ये बताऊंगा कि अभी हम लोग यहाँ पर जो बच्चे हैं सारे, बहुत सारे बच्चे हैं एक्चुअली, आप जो एक बार दिखा दो यहाँ पे, और अभी मैंने बहुत सारे बच्चों से यहाँ पे बात भी की, तो हम लोग इस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड हैं सब और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लाइफ में पॉजिटिविटी लाना यही मोटिव होना चाहिए हर किसी का, हर एक इवेंट का, हर एक काम जो हम करते हैं लाइफ में उसमें पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर सीवी रमन कॉलेज ने जो ये इनिशिएटिव लिया, वी सपोर्ट दैट एंड वी वेरी मच यू नो, बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, हम यही कह रहे हैं सबको। आप लोग ज़रूर आएँ और सुनते रहें FM तड़का 91.9, अपनी सुनो। पे आप देख सकते हैं मैं खड़ा हुआ हूँ डॉक्टर सीवी रमन कॉलेज में, जहाँ पे पुस्तक यात्रा हुई है। इसी देश को मैं सुना सर है मेरे साथ, और ब्रजेश सर है मेरे साथ, अमरीश सर है मेरे साथ। तो मैं पूछता हूँ सर, ब्रिजेश सर है मेरे साथ, और सर ये बताइए ये जो इवेंट का इनिशिएटिव है इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये इवेंट जो हम लोगों ने किया हुआ है कि बच्चों को पुस्तक की ओर आकर्षित करें जी। आजकल बच्चे क्या हैं कि वो इंटरनेट और यूट्यूब फेसबुक इन्हीं पर लगे रहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे किताबों की तरह आकर्षित हों और इनोवेशन को बढ़ावा दें। राइट, तो हम बहुत विश करते हैं, बिल्कुल गुड विशेज हैं हमारी साथ में आपके इस इनिशिएटिव के साथ। एंड FM तड़का की तरफ से मैं हूँ RJ रौनक विद दी एनक, FM तड़का कह रहा है अपनी।